दोस्तों नमस्कार। एक दिए को रोशन करने के लिए एक माचिस की तिल्ली को जलना पड़ता है। एक दिए को रोशन करने के लिए एक माचिस की तिल्ली को जलना पड़ता है। उस अंधेरे को मिटाने के लिए उस मोम को पिघलना पड़ता है। और यूं तो एक खरोच पर भी रो दिया करते थे कभी, आज मरकर भी जिंदा रहना पड़ता है। कभी हमारे चीखने चिल्लाने पर घर में रौनक बनी रहती थी, आज घर की शांति के लिए चुप रहना पड़ता है। दिल की बात दिल में दबाकर बाकी सब कुछ कहना पड़ता है। और दो वक्त की रोटी के लिए अपनों से बिछड़ना और थोड़ा सा बिगड़ना पड़ता है। मत पूछो थोड़ा जीने के लिए कितना मरना पड़ता है, कितना मरता है। अब दोस्तों एक छोटी सी कविता आपके सामने लेकर आया हूँ। इसकी हेडिंग है ज़रूरी है क्या। तो उसके आखिरी के चंद शब्द आप बोलेंगे, मेरे साथ चलेंगे। ज़रूरी है क्या सब आपको बोलना है, हर पंक्ति के आखिरी में आएगा ज़रूरी। खूबसूरत होने के लिए खूबसूरत होना ज़रूरी है क्या। मोहब्बत करने के लिए महबूब का होना ज़रूरी। किसी की अहमियत जानने के लिए पहले उसको खोना। और आंखों की नमी है बहुत कुछ बोल देती है, हर बार आंसुओं का होना ज़रूरी है क्या। मेरी आंखें पढ़कर चुप्पी समझो एक बार, हर एहसास को बातों में पिरोना ज़रूरी है क्या। बेवजह रोने का मन करता है कि हर बार वजह से रोना ज़रूरी है क्या। और मोहब्बत को जताने के लिए हम बिस्तर होना ज़रूरी है क्या। मन हल्का करने के लिए हर बार पलकों को भिगोना ज़रूरी है क्या। और आंसू को छिपाने के लिए घर का वो कोना ज़रूरी है क्या। जिम्मेदारियों से दबकर मिट्टी में लिपटकर बड़ा हो गया एक लड़का, हो खिलौना भी ज़रूरी है क्या। थोड़ा वक्त खुद को भी दिया करो कि हर वक्त उम्मीदों का बोझ ढोना ज़रूरी है क्या। अपनों को मनाने से पहले उनका रूठना ज़रूरी है क्या। और मुस्कुराने से पहले टूटना ज़रूरी है क्या। मुस्कुराने से पहले टूटना ज़रूरी है क्या। थैंक यू।